हाय स्टूडेंट्स, आज हम एरर एनालिसिस 2 को कवर कर रहा है। एरर एनालिसिस 1 कल कर दिया था, तो पिछले लेक्चर में कर दिया था। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें क्या क्या रहता है, तो देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज द टॉपिक। Figures and rounding off, या round off, then order of magnitude, ये cover करना है आज हमें। order of magnitude, so ये तीनों actually इसमें problem ऐसा आता है, दूसरे topic को जब पूछेंगे, suppose v by i value का calculate करना है या सम अदर वैल्यूज यू हैव टू फाइंड, सो अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल के दे देगा। वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जाना तो वो क्वेश्चन क्या है, तो इसीलिए दिस टॉपिक को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले ये देख लें। एक नंबर ले लो, 6.2 ले लीजिए। इस नंबर में दिस इज रिलेबल नंबर, दिस इज अनसेटेड डिजिट, दिस डिजिट इज नोन एज अनसेटेड डिजिट एंड दिस इज नोन एज सेटेड डिजिट। सो द लास्ट वन अनसेटेड डिजिट एंड द रिलेबल डिजिट्स, सो रिलेबल डिजिट्स प्लस, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज नथिंग बट रिलेबल डिजिट प्लस one and last uncertain digit. So reliable digits plus uncertain digit. What this is nothing but this value is 1. So RD plus reliable digits plus 1 is significant figures. It is known as. So इसके लिए कुछ rules रहता है। क्या-क्या है rules? Suppose हम लोग कोई भी number अगर मान लीजिएगा some x का value 6.234, not only this, even decimal is not there also, 4.35. So dono mein kitna numbers hai, 4. So in this first, all non-zero digits are significant. The first rule is all non-zero digits are significant. So isme kitna number hai, 4 digits. So this is also 4 digits. So, अगर यहाँ और एक रहता तो 5 हो जाता, अगर एक कम रहता तो 3 रहता, ठीक। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, अगर 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है, कब हो जाता है, मान लो x इज इक्वल टू 0 इज सिग्निफिकेंट इफ इन बिटवीन टू नंबर्स, अगर मान लो 6.0, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। सो दिस 0 इज इंपॉर्टेंट, दिस 0 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक। लीडिंग जीरोस मतलब क्या है, लीडिंग जीरोस आर द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। सपोज मान लीजिए 0.23 लिखा, इसमें टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लो 0.023, इन दिस आल्सो ओनली टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरोस को नो वैल्यू, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ट्रेलिंग जीरोस आर द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। सपोज मान लीजिएगा 2.30, दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3। सपोज मान लीजिएगा 4.3500, सो 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल रूल में 1.32 सपोज इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 लगा दो या 4 लगा दो, सो व्हाट एवर में भी दिस नंबर एक्सपोनेंट और साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, सो दीज 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, ठीक है। देन राउंडिंग ऑफ,
बचपन से ही राउंड ऑफ करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ कैसे करना, राउंड ऑफ कैसे करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रूल, इसमें भी रूल्स बाय कन्वेंशन है, अगर मान लीजिएगा 7.82 है, इसको अगर राउंड ऑफ टू, दो नंबर पे टू डिजिट्स में अगर राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है, अगर ये लेस देन 5 है, देन जस्ट ड्रॉप दिस एंड राइट 7 पॉइंट। इफ लेस देन 5, दिस लास्ट नंबर इज, सपोज इफ वी वॉन्ट टू डू टू नंबर्स, सो इसको अगर हमें ड्रॉप करना है, तो 5 से कम है तो इसको ऐसे ही रख दे, इस वी विल ड्रॉप दिस सिंपली, इसको छोड़ देंगे ऐसे 7.8। अच्छा, ये फर्स्ट रूल है, ठीक। सेकेंड रूल क्या है, अगर मान लो ये 7.86 ग्रेटर देन 5, ठीक, इसमें क्या करेंगे, इन प्रीसीडिंग डिजिट को एक नंबर इंक्रीज करेंगे, 7.9 कर देंगे, ठीक है। और एक कंडीशन क्या आएगा, अगर 5 हो गया 7.85 मान, तो दिस नंबर प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो क्या करना है, ऑड है तो क्या करना है, इवन है तो जस्ट ड्रॉप दिस, दैट्स 7.8। अगर 7.15, ठीक है, इसको 7.2, दैट्स, सो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है, इफ दिस इज ऑड, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। अगर 7.8 प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है, सो जस्ट ड्रॉप द नंबर, दैट्स दिस इज दिस दीज आर द रूल्स, ठीक है। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कैलकुलेशन में क्या हो, जैसा देख लेंगे अभी हम, अगर एडिशन करना, इसमें भी कुछ रूल्स है, एडिशन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिएगा एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में 33.3 एक नंबर है, देन अनदर नंबर इज 3.11, ठीक है, 3.1, Another number is 0.313, ठीक है। इसको पहले एडिशन कर देंगे, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 7 है, ये 3 6 है, ये 36.723 आएगा। सी हियर, इसमें कितना डेसिमल्स है, ऊपर वाले में ओनली 1 डेसिमल प्लेस, इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, 2 है, इसमें 3 है, सो द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो होता है उतना इसको करना पड़ेगा, सो वो एक ही रहना है, ये 2, 2, 3 को ड्रॉप करना है, सो 2, 3 एनी हाउ इट इज लेस देन 5, सो जस्ट यू कैन, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 36.1, रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस, सी आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल, बिकॉज दिस इज 1 डेसिमल, दैट इज द रीजन, ठीक। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो करना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर कौन सी होता है, उतना ही नंबर इसमें फाइनल आंसर में रहेगा, ये ध्यान रखिए। मल्टीप्लीकेशन, सपोज 140, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में एक ही रूल होता है, इसमें क्या है देखिए, इसमें कितना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आंसर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 32.6738। कितना है, यहाँ डेसिमल का प्रॉब्लम नहीं, द लीस्ट नंबर कितना है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 है, इसमें कितना, 2 है, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है तो उतना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 को यू कैन ड्रॉप, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5, so you have to increase the preceding digit, 4 हो जाएगा, ये 4, so number is less than 5, so you can drop it, 7 is greater than 5, so this will become 7, this is also greater than 7, so this will become 33, because I am rounding off to 2 digits, 33, that's answer is 30, you got my point, yeah. 8, increase करेंगे 1, so ये 4 हो जाएगा,
4 is less than 5, so 4 will be dropped. So now 7 is there. 7 means you have to increase this to 1. 7 ho jayega. Yes, 7 is greater than 5, so this will increase by 1, so 33. So this is become 33. Fine. So this is the method we have to follow in significant figures in calculations. Okay. Now let us check the last one, order of magnitude. What is order of magnitude? In scientific notation, any number n is written as m into 10 to the power of x. So this m value will be in between 1 and 10. The value of lies between 1 to 10. Kitna bhi ho sakta hai, 1.1, 1.2, 1.00005, something like that. 10 means less than 10, 9.9999, like that. So it is in between 1 and 10. And then the power of the 10 is nothing but x is, the power of 10 is the order of magnitude. So order of magnitude is nothing but power of 10, power of 10. Isme aur ek rule ye hai, suppose m less than 5 hai, so then x is order of magnitude. M agar greater than 5 hai, x plus 1 is the order of magnitude. You remember this. That's it. Okay. Now let us do some problems also based on this. 4-5 problem karenge to pura samajh jayega. See, in this question, the number of significant figures in 0.007 meter square, means 0.007 meter square. Isme kitna significant figures hai? See, 7 ka pehle jo zeros hai wo insignificant hai. So this is nothing but only one significant figure. Answer kaun sa hai? This will be the answer. See here, the length, second question. The length, breadth and thickness of a block are measured 125 cm, 5 cm, 0.2 cm. See here, in this how many significant figures are there? 2. Here how many significant figures are there? 2. Here 4 significant figures are there. So he is asking, what he is asking, which one of the following measurements is most important? जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ज्यादा होंगे तो दैट इज मोस्ट एक्यूरेट. सो लेंथ इज द मोस्ट एक्यूरेट. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें. द मास ऑफ अ बॉक्स इज 2.3 kg. सो 2.3 kg मास दिया है हमें. इसको क्या किया उन्हें, टू मार्बल्स ऑफ मास इज 2.15 ग्राम. सी दिस इज इन केजी, this is in gram. So let us first find this into grams. Pehle grams mein convert kar de. See, conversion of units, this is 2000, 1000 se multiply karna padega, 300. So grams mein hai, theek hai. Now 2.15 grams is added, then how much gram? 12.39 grams. So ये 14 होगा, 145 होगा, 224 होगा, 5.54 grams आ गया. इसको फिर कन्वर्ट कर दो, ये ग्राम्स है. So this should be in kgs. So 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.31454 kg. लेकिन इसमें ये चार नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन नंबर्स में कितना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2.3 kg में. कन्वर्शन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स विल नेवर चेंज, रिमेंबर दिस. सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है. ये जीरोस डजंट हैव एनी वैल्यू, ठीक है. This is having significant figures 3. This is having 4 significant. So least is 2 significant figures. So we have to change this number into least number of significant figures.
See, 1 4 5 4. 4 remove, 5 we can even number, drop 1, drop. So the answer is 2.3 kJ. So this is the answer. That's it. The length of a rectangular sheet is 1.5 cm and breadth is 1.203 cm. The area of the face of a rectangular sheet to the correct number of significant figures is, so length breadth multiply करेंगे तो आ जाएगा हमें 1.5 multiplied with 1.203, or else you can multiply with 1.5. So this calculation will come 1.8045 cm². आ जाए. इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2. इसमें कितना? 4 सिग्निफिकेंट. सो मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल है? डेसिमल में ये एक ही नंबर है तो वो डेसिमल हमें ये लेना पड़ेगा. ठीक है, सो अप टू 1. सो ये 5, ये 5 हो जाएगा, लेकिन ये 0 है तो इसको रिमूव कर, ये तीनों को रिमूव कर सकते हैं हम लोग. So answer is 1.8 cm². ठीक है, this is the answer. ठीक है, so इससे ये टॉपिक खत्म हो गया है. So next topic we have to consider dimensional analysis. So no problem, we will consider in the next lecture. ठीक है बच्चे, हम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इमीडिएटली आपको ये लिंक भी आ जाएगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. विश यू ऑल द बेस्ट बेटा. बाय.